गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे जो इंडिया के कोस्ट लाइन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जो कि ना तो कोस्ट लाइन है ना तो किसी इंटरनेशनल बॉर्डर से टच करते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा एंड दिल्ली, द अदर स्टेट्स आर नोन एज फ्रंट लाइन स्टेट्स, ठीक है। जो MP है और छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, हरियाणा है, तेलंगाना है और दिल्ली है, ये सब जो स्टेट हैं ना तो वो कोस्ट लाइन है ना तो वो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करते हैं, ठीक है। नाइबर्स ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के कौन कौन से पड़ोसी हैं, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स, ठीक है। ये सब जो है इंडिया के नाइबर्स हैं। इंडिया हैज़ बॉर्डर विद द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये सब इससे पहले मैंने बताया जो नाइबर्स है वो, और इंडिया का जो बॉर्डर है उससे कौन कौन सा इंटरनेशनल कंट्री है जो टच करती है, तो है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, राइट। वाइल आर मेरी टाइम नाइबर श्रीलंका सेपरेटेड बाय पर्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार एंड मालदीव सेपरेटेड बाय 8 डिग्री शेयर, ठीक है। जो हमारा मेरी टाइम मतलब कि समुंदर का जो समुंदर से जुड़ा हुआ जो है मतलब कि मेराइन से जुड़ा हुआ जो कंट्री है श्रीलंका और मालदीव, जिसमें कि श्रीलंका जो है वो इंडिया से किससे सेपरेटेड है, तो पर्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार, और मालदीव्स किससे सेपरेटेड है, तो 8 डिग्री चैनल से, ओके। द कोकोस आइलैंड ऑफ म्यांमार एंड द नॉर्थ अंडमान आइलैंड इज सेपरेटेड बाय कोकोस चैनल, ठीक है। इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। हम जानते हैं कि इंडिया का जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश से भी टच करता है, मतलब कि तो ये जो है रेड क्लिफ लाइन है, सुपर इम्पोज्ड है, मैन मेड बाउंड्री है, दिस इज फॉर्मेड बाय डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये जो है बॉर्डर किससे बनती है, तो किसके डेल्टा से, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा से बनती है। द स्टेट दैट टच बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड असम। तो जो बांग्लादेश है उससे कौन कौन से जो है स्टेट टच करते हैं, तो वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड आसाम, ओके। शिफ्टिंग ऑफ रिवर कोर्सेस, जैसे कि हमारा जो है ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये हमेशा मतलब अपना चैनल्स जो है वो बदलते रहती है, ठीक है। हाईली इरेगुलर एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 100 अमेंडमेंट एक्ट, तिस्ता रिवर डिस्प्यूट जो हुआ था, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिक्किम एंड इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र ज्वाइन इन बांग्लादेश। NRC हुआ, रोहिंग्याज हुआ, सिलीगुड़ी चिकन स्नेक कॉरिडोर, ठीक है। ये जो है चिकन स्नेक कॉरिडोर इसी को कहते हैं, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड मेनलैंड इंडिया, ये जो चिकन नेक कॉरिडोर है वो कनेक्टिंग लिंक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का और मेनलैंड इंडिया का। इट इज़ अ नैरो रीजन सराउंडेड बाय चाइना एंड बांग्लादेश, ये जो है बहुत ही सकरा रास्ता है जो कि किससे घिरा हुआ है, चाइना और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसको सिक्योरिटी थ्रेट है,
NH31A पासेस थ्रू द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वो किस रोड से पास करते हैं? NH नेशनल हाईवे 31। ठीक है, अब है देखिए, ये सपोज इट्स नॉट अ प्रॉपर डायग्राम बट लेट अस अज्यूम, ठीक है, ये इंडिया हुआ। ठीक है, ये जो एरिया है इंडिया का, ये अक्साई चीन रीजन है, वेस्टर्न सेक्टर ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो है रामसार साइट है, यहाँ पर नेपाल है, पैंगसोलैंग है, और ये हो गया सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड इन ट्रांस हिमालय, इंडो चाइना रीजन हो गया, डोकला पास, प्लेट्यू रीजन, मैकमोहन लाइन, ईस्टर्न सेक्टर, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आता है, नाथुला पास इन सिक्किम, काला पानी रीजन बहुत बार न्यूज़ में आता है। ठीक है, एक नेपाल में, विच इज सिचुएटेड एज अ ट्रांजेक्शन ऑफ इंडिया नेपाल एंड चाइना, इट इज़ फेमस फॉर रूट फॉर एनुअल मानसरोवर यात्रा। ईस्टर्न सेक्टर डिस्प्यूटेड, डोगाला प्लेट्यू, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिया ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ चिकन चिकन स्नैक, वो जो मैंने बताया था, यहाँ पर सिंपल छोटा सा जो रास्ता है जो कि सराउंडेड है किससे, बांग्लादेश और चाइना से। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, व्हाट इज अक्साई चीन, इट इंक्लूड्स फाइव, ये जो अक्साई चीन है, ये जो मैंने बताया रीजन, इट इंक्लूड्स 5,200 स्क्वायर किलोमीटर इलीगली गिवेन टू चाइना बाय पाकिस्तान। दिस रीजन इज हाई डाइसेक्टेड एंड हाईली इरोडेड प्लेट्यू विच इज डिवाइडेड इंटू न्यूमरस प्लेन एंड कवर्ड बाई सेलाइन लेक ड्रेन्ड बाई रिवर सोक। अब है इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री। ठीक है, अगेन इट्स नॉट अ प्रॉपर डायग्राम बट लेट अस अज्यूम दैट दैट दिस इज इंडिया। ठीक है, ये POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, ये अक्साई चीन है, इतना का एरिया पाकिस्तान के पास है, इतना का एरिया हमारे चाइना के पास है। ये क्या हो गया, सियाचिन ग्लेशियर हो गया, काराकोरम हो गया, कैलाश रेज हो गया, LAC हो गया, यहाँ पर LOC है, नंदा देवी, काला पानी, डोकला, मैकमोहन लाइन, त्वांग, पासेस थ्रू डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन फ्रॉम द मार्सी लैंड ऑफ कच्छ टू शिफ्टिंग लैंड शिफ्टिंग सैंड ड्यून ऑफ द थार डेजर्ट, थ्रू द ग्रेट प्लेन्स ऑफ पंजाब, द माउंटेन ऑफ कश्मीर, इट इज सुपर इम्पोज बॉर्डर नोन एज रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, डिस्प्यूट क्या है, कश्मीर डिस्प्यूट है, सियाचिन इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट्स तो बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है, पहला हो गया कश्मीर डिस्प्यूट, दूसरा हो गया सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड एंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आउट आउट ऑफ पोलर रीजन, 75 किलोमीटर, थर्ड पोल। ओके, इसको थर्ड पोल भी कहा जाता है। इट इज ऑक्यूपाइड बाय इंडियन बाय ऑपरेशन मेघदूत 1984। तो ये जो था इंडिया के द्वारा फिर से ऑक्यूपाई किया गया 1984 में, ऑपरेशन क्या था, मेघदूत। ओके, इट इज़ अ सोर्स ऑफ ऑरिजिन ऑफ रिवर नोबरा, या नोबरा रिवर जो है, रिवर जो है यहीं से निकलती है, नोबरा ज्वाइन सोक एंड सोक ज्वाइन इंडस रिवर। ठीक है, नोबरा जो है वो सोक को ज्वाइन करती है, सोक जो है इंडस रिवर को ज्वाइन करता है। नॉर्थ ऑफ सियाचिन इज इंद्रा कोल, इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, फिट्स इंडस रिवर सिस्टम, इट इज़ इन द कराकोरम रेंज। ठीक है, सरकरे केसू, इट इज़ द मार्सी रीजन विच इज एक्सट्रीमली रिच ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड ड्यू टू द हाई कंटिनेंटल एंड वाइड सेल्फ इम्पोर्टेंट फिशिंग रीजन, इंडस वाटर ट्रीटी हो गया। तो आज हमने पढ़ा
टिल इंडिया पाक बाउंड्री। टुमारो आई एक्सप्लेन अबाउट इंडियन म्यांमार रीजन। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।